हेलो दोस्तों, हमारी ये दुनिया बहुत बड़ी और रंगीन तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारे रहस्यों को अपने अंदर समाये हुए है जिन्हें सुलझाने की निरंतर कोशिश चलती रहती है। लेकिन कुदरत हमें आश्चर्यचकित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। आज हम ऐसी ही पांच अद्भुत जगहों के बारे में बात करेंगे जो किसी अजूबे से कम नहीं है और जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ यह अद्भुत सफर पर चलने के लिए। कैनो क्रिस्टल्स। मध्य कोलंबिया में मैकरेना पर्वत श्रृंखला के पास एक ऐसी नदी है जो जुलाई से नवंबर के बीच दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी बन जाती है। कैनो क्रिस्टल्स नाम की यह नदी इन महीनों में रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर्स में बहती है, इसलिए इसे लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। करीब 100 किलोमीटर लंबी इस नदी पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सारे रंगीन कलर्स एकदम से चमक उठते हैं और धरती पर स्वर्ग का अनुभव कराते हैं जो पूरी पृथ्वी पर कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये प्राकृतिक प्रतिभास दरअसल एक फ्यूजन की वजह से होता है जिसमें लाल रंग मैकरेना क्लेविजिरा पौधे से मिलता है और काला रंग चट्टानों के पत्थरों से, हरा एलजी से और पीला रंग पानी के नीचे मिट्टी से। और जब क्रिस्टल क्लियर पानी इनके ऊपर से गुजरता है तो लिक्विड रेनबो का रूप ले लेता है। औरोरा बोरियालिस। प्रकृति का इससे खूबसूरत रूप और कोई नहीं हो सकता। एक पल रात में घना अंधेरा और दूसरे पल चारों ओर रंगीन रंगों का करिश्माई मनमोहक नजारा। इसी अद्भुत नजारे को नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। वास्तव में नॉर्दर्न लाइट्स प्रकृति का एक ऐसा करिश्मा है जो सूरज से निकले हुए चार्ज पार्टिकल्स और पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाली गैसेस जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के टकराव से पैदा होता है। यह ज्यादातर नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा, फिनलैंड और स्वीडन में देखने को मिलते हैं और ये धरती से लगभग 96 किलोमीटर से लेकर 241 किलोमीटर ऊपर बनते हैं। सबसे कॉमन अरोरा का कलर येलोइश ग्रीन होता है जो कि ऑक्सीजन गैस के टकराव से बनता है। वहीं ब्लू कलर का अरोरा नाइट्रोजन गैस के टकराव से पैदा होता है और सबसे दुर्लभ लाल कलर का अरोरा होता है। फ्लाइंग गीजर। पहली नजर में तो ये तस्वीरें किसी दूसरे ग्रह या फिर किसी साइंस फिक्शन फिल्म की सेट की लगती हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह तस्वीरें यूनाइटेड स्टेट नेवाडा में स्थित एक जगह की हैं जिसे फ्लाइंग गीजर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह सालों से लगातार गर्म पानी के प्राकृतिक फव्वारे हैं। यह संरचनाएं प्राकृतिक रूप से हुई है और उनकी उत्पत्ति का कारण और भी रोचक है। दरअसल ये जमीन एक अमीर व्यक्ति की थी और वो इस जमीन पर एक प्राइवेट फार्म बनवाना चाहता था। निर्माण के वक्त विशाल ड्रिल की शाफ्ट जमीन के अंदर एक जियोथर्मल पॉकेट से टकरा गई और तभी से यहाँ इस प्राकृतिक गीजर का निर्माण हो गया। कैटाटोम्बो लाइटनिंग। कैटाटोम्बो लाइटनिंग एक प्राकृतिक प्रतिभास है जो वेनेजुएला के पश्चिमी दक्षिण क्षेत्र के किनारे मैराकाइबो लेक के ऊपर देखा जाता है। इस झील के कोने में पहाड़ों के ऊपर दुनिया के सबसे तेज आवृत्ति से बिजली चमकती है। यह प्रतिभास एक साल में 260 रातों तक यूं ही देखने को मिलता है। यहाँ पर एक घंटे में 280 बार बिजली चमकती है और यह सिलसिला रोजाना 10 घंटों तक निरंतर चलता रहता है। बिजली चमकने का पीक टाइम मई और अक्टूबर है। इन्हीं महीनों के दौरान यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर हर साल सबसे ज़्यादा बिजली चमकने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ब्लड फॉल्स। दुनिया भर में यूं तो कई ऐसी जगह मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। ऐसी ही एक जगह है अंटार्कटिका में ब्लड फॉल्स। इसके बारे में कहा जाता है कि यह झरना खूनी है। दरअसल यहाँ से लगातार लाल रंग का पानी बहता रहता है। बड़ी बात यह है कि यह पानी जब दूसरी जगह से आता है तो वह सामान्य होता है, लेकिन इस झरने तक पहुँचते पहुँचते वो लाल रंग में तब्दील हो जाता है। अंटार्कटिका में लंबे अरसे से बह रहा खूनी झरना अपने रहस्य के चलते लोगों के बीच जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। इसी के चलते वैज्ञानिकों ने इसका सच तलाशने की कोशिश की। उनके मुताबिक अंटार्कटिका के इस हिस्से के नीचे करीब 3 मील तक लोहे की बड़ी खदानें हैं। जब नमक से भरा पानी इन खदानों के ऊपर से होकर गुजरता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका रंग लाल हो जाता है। आपका सपोर्ट और प्यार हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हम आशा करते हैं आपको हमारे बाकी के वीडियोस भी पसंद आएंगे।
जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।